हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज से इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी के जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो देखो, जैसा हमने पहले प्लान किया है कि पहले हम लगभग 15 से 20 लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें हम बेसिक मोटा मोटा जो इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद में हम बाकी के जो लेक्चर होंगे 20 क्लास के बाद में, उनमें हम लक्ष्मीकांत उसको कंप्लीट तरीके से कवर है वो यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो मतलब हम 15-20 क्लास में एक मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे पॉलिटी के बारे में, ब्रीफली डिस्कस करेंगे थोड़ा हल्का हल्का सा, सॉरी। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी के हम बात करेंगे, जो लक्ष्मीकांत बुक है इसी के साथ लक्ष्मीकांत के अलावा जो और भी बुक है उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। मतलब पहले हम केवल 15-20 दिन में एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया लेंगे, इसके बाद हम बाकी सारे को अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो देखो, आज से हमारी क्लासें हैं वो स्टार्ट हैं। वीक में 7 दिन होते हैं तो आपको बताइए, और उसमें 6 दिन क्लासें हैं वो रहेंगी। अब वो डिसाइड किया जाएगा जल्दी कि सैटरडे को ऑफ रहेगा या फिर संडे को। एक दिन ऑफ रखा जाएगा, क्लासें आपको डेली मिलती रहेंगी, और टाइमिंग है देखो क्लास का वो भी जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको डेली लेक्चर उसी टाइम पे अवेलेबल हो सके। क्योंकि देखो, अभी मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब थी तो मैं एक भी लेक्चर प्रिपेयर वगैरह नहीं कर पाया था। बट आज सबसे पहले हम रेगुलेटिंग जो एक्ट हैं उनको देखेंगे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ हम चार्टर इंडिया एक्ट को कवर करेंगे, और फिर हम इंडियन जो काउंसिल एक्ट आए थे उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो, थोड़ा हम पहले बैकग्राउंड से चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, वहाँ से हम कवर करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जैसा हमें आइडिया है या पता है कि 1599 यानी कि लगभग 1600 के टाइम पे अंग्रेज़ हैं वो इंडिया में आए थे, और फिर वो इंडिया में किस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी इंडिया में, और उसके थ्रू उन्होंने इंडिया के ऊपर राज वगैरह किया था। अब बात यहाँ पे आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो इंडिया में राज कर रहे थे, ट्रेड वगैरह सब कर रहे थे, तो भाई इनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट भी करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसी से तो मान्यता ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या इन्हीं की ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक तरीके से व्यापारियों का एक ग्रुप था और उन्होंने मिलकर कंपनी बनाई, और उस कंपनी के थ्रू वो इंडिया में राज है या ट्रेड वगैरह सब कर रहे थे और अपनी मोनोपोली बना रखी थी। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती थी कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले इससे, और उस टाइम पे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह इसमें धीरे धीरे गवर्नमेंट है वो वहाँ की लेके आई। तो सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें, इसमें एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गवर्नर था ना बंगाल का, उसको अब गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल का नाम उसे अब दे दिया गया, पहले वो ओनली गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया। इसी के साथ ही उसको जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बम्बई का, यानी उस टाइम पे बम्बई थी उसका दर्जा, मतलब उसका भी कंट्रोल दे दिया गया। मद्रास रेजिडेंसी थी उसका भी मतलब कंट्रोल है वो दे दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बम्बई और मद्रास का जो भी पावर थी या इनका गवर्नेंस का काम था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर है, वो आ गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके साथ ही एक और चीज़ है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ब्रिटिश लोग थे या उनके जो भी केस वगैरह होते थे उनसे निपटने के लिए बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी। तो ये फैक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ ही एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका निर्माण है वो किया गया था, यानी कि सह परिषद गवर्नर जनरल का एक मतलब कमेटी टाइप की वो स्थापित की गई थी। इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, ये चारों मेंबर है वो डिसीजन लेते थे, इसके बाद में गवर्नर जनरल है वो अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट है वो करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना कि सह परिषद गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की निर्माण स्थापना की गई, जो कि मेनली हेल्प है वो करती थी। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कौन था? देखो, 1773 में ऑब्वियसली उस टाइम पे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। तो ये फैक्ट अपने आप में आपको ध्यान है वो हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि भाई जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो क्यों आया। अब देखो एक सेकेंड, हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। आया इसलिए था क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उन कमियों को दूर करने के लिए ओबियसली एक्ट है वो लाया गया था। अब कमियां क्या थी वो हम देखते हैं। देखो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसमें 2 कमियां थी। एक कमी तो ये थी कि देखो, एक साइड तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और एक साइड वहाँ पे
सर्वोच्च न्यायालय या फिर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट है, वो बना दिया गया। अब इन दोनों की ज्यूरिडिक्शन है ना, वो क्लियर नहीं की गई कि भाई कौन कौन से काम तो गवर्नर जनरल को करेगा और कौन से काम है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इनमें आपस में टकरार होती, कोई कहता है ये केस आपका है, कोई कहता है केस मेरा है, मतलब आपस में ये दोनों लड़ने लग गए। तो एक तो इश्यू आ गया ये। दूसरा इश्यू क्या आ गया कि देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो भी अपना मतलब रूल रेगुलेशन है उनको चेंजेज करना चाहती थी। तो एक तो आपने यहाँ पे ये देख लिया, यानी गवर्नर जनरल और जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसके बीच में काफ़ी जो राइट्स हैं या अधिकार हैं, पावर है, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। एक इश्यू उसमें दूसरा मेजर था वो यहाँ पे ये आया था कि भाई जो देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, इसकी हेल्प के लिए आपको पता है कि 4 सदस्यों की कमेटी या गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का निर्माण किया गया था। अब जो काउंसिल थी ना उसमें मेंबर कितने थे? 4। अब ये 4 सदस्य क्या करते, ये दो दो हो जाते, मतलब दो एक गुट में दो एक गुट में, तो डिसीजन को ढंग से ले ही नहीं जाता। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन हो गया था कि कहीं ना कहीं इन सदस्यों को कम करना होगा। तो अब देखिए, देखो रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई 1773 में दो कमियाँ थी, इन कमियों की वजह से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया था। देखो पीट्स कौन थे पहले हम थोड़ा देखते हैं। पीट्स उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उस टाइम पे ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार चल रही थी, और उस जो गठबंधन की सरकार थी उसमें जो मैक्सिमम लोग थे ना, या मैक्सिमम जो ट्रेडर्स का ग्रुप था, लोबी थी, उन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट है उससे उन्होंने लाइसेंस सा मिल गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो अपनी मनमर्जी इंडिया में कर रहे थे। अब यहाँ पे जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें क्या होता है, एक तो जो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिए गए ताकि निर्णय लेने में थोड़ी आसानी हो सके। मेजर तो इसमें चेंजेस है वो मेनली ये किया गया था ताकि मामला वो शांति से सेटल हो सके। बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर इंडिया में जो कि तो बनी रही थी। तो मेजर आप वो चेंजेस था वो हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम देखते हैं इसके बाद में जो चार्टर एक्ट एक्ट आता है वो कौन सा आता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। अब देखो 1793 का जो चार्टर एक्ट है ना, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, बस ये आप ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको वापस से कह दिया गया कि हाँ भाई 20 साल तक आप कंटिन्यू काम कीजिए, इसके बाद में कुछ रिन्यू वगैरह किया जाएगा। मतलब कोई मोटा चेंजेस इसमें किया नहीं गया, कुछ खास नहीं है 1793 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद में आता है 1813 का चार्टर एक्ट। देखो हम ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे, आगे भी जब हम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे तब हम इनको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में मोनोपोली थी ना ट्रेड वगैरह को लेके, उसको समाप्त कर दिया गया कई चीज़ों को लेके, कि भाई कुछ मामलों में बाहर की और भी कंपनीज हैं, ब्रिटेन की या और भी जो लोग हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पावर नहीं रहेगी। बट हाँ ये था कुछ चीज़ें की जो एक मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका बना रहा। जैसे कि चाय का ट्रेड है वो केवल उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, बाकी कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। इसके साथ ही चाइना के साथ अगर किसी को ट्रेड करना था तो वो जो इट्स इंडिया सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के द्वारा किया जा सकता था, बाकी और कोई नहीं। मतलब धीरे धीरे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है उसको कम किया जा रहा है, उसके राइट्स हैं वो कम किए जा रहे हैं, ये सारे चेंजेस इधर लाए जा रहे थे। बट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली या जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। अब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाय को लेके और चाइना के साथ जो ट्रेड को लेके का अधिकार था ना, वो भी खत्म कर दिया गया। मतलब बेचारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उसके हाथ पर एक तरीके से काट दिया गया। और इसी के साथ ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको अभी यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर है जनरल है वो बना दिया गया है। मतलब बंगाल का ही गवर्नर जनरल नहीं है, अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था। तो ये दो मेजर चेंजेस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको फिर ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना पहले 1784 वाला, इसमें जो प्रांत या प्रोविजन जो प्रोविंस थे ना इंडिया में, उनको अधिकार दे दिए गए थे कि भाई वो मतलब ने कानून वगैरह कुछ बना सकते थे छोटे मोटे, बट अभी वो सब समाप्त कर दिए गए। यानी कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था इसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो प्रांत है ना प्रोविजन प्रोविंस हैं वो कानून नहीं बना सकते, ये प्रोविंस का कानून बनाने का राइट खत्म हो गया। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन से चार्टर एक्ट में जो मतलब प्रांतों से अधिकार बनाना है वो वापस ले लिया गया था कानून वगैरह, तो 1873 के चार्टर एक्ट में उनसे वापस छीन लिया गया था।
तो इसमें बेसिक हमने यहाँ पे कवर किया। इसी के साथ देखो 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला जो विधि आयोग था इंडिया का वो इसी के तहत बनाया गया था। विधि आयोग लॉ कमीशन था इंडिया का पहला, वो आपको ध्यान रखना है कब बनाया गया था, जल्दी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। पहला विधि आयोग है वो देखो इसी टाइम पे बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें जो उसके हेड कौन थे विधि आयोग के, लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, वो भारत के पहले विधि आयोग जो कि 1835 में बना था उसके हेड थे। तो ये फैक्ट अपने आप में आपको ध्यान में रखना है। यानी कि भारत में जो भी कुछ क्राइम वगैरह हो रहे थे उनसे निपटने के लिए बॉडी है वो बनाई गई थी, और लॉ कमीशन का निर्माण भी कर लिया गया था। इसी के साथ इंडिया में इंडियन पेनल कोड जो कहते हैं ना भारतीय दंड संहिता, उसका निर्माण भी किया गया था। कब किया गया था? आईपीसी देखो वैसे तो बनाई गई थी इस एक्ट के तहत, बट ये कंप्लीट ढंग से एक्टिव हुई थी वो थी 1862 के बाद। बट इसके जो प्रोविजन वगैरह थे, जो भी मतलब इसके गाइडलाइंस वगैरह थी, वो इसी चार्टर एक्ट के तहत है वो निकलती हैं। और इसके आईपीसी के जनरल कौन थे? वो भी ऑब्वियसली लॉर्ड मैकाले थे। तो ये कुछ फैक्ट आपको यूपीएससी हिस्ट्री में भी पूछ सकती है और पॉलिटी दोनों में। अब हम बात करते हैं, इसके बाद में आता है 1853 का चार्टर एक्ट। देखो 1853 का चार्टर एक्ट है ना, इसमें पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उसने एक छोटी सी मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट की फॉर्म बनाई इंडिया के लिए, ताकि वो इंडिया में काम है वो काम कर सके। और एक 1853 में क्या हुआ था? मैकाले समिति का निर्माण किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 1853 में मैकाले समिति का निर्माण किया गया था, और उसके तहत ये प्रावधान किया गया था मैकाले समिति का कि भाई इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विस होती है ना, इसके अंतर्गत एग्जाम होगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी, और उसके द्वारा लोगों को या बच्चों को सिलेक्ट है वो किया जाएगा। यानी कि पहली बार इंडिया में जो सिविल सर्विस में बच्चों की सिलेक्शन की प्रक्रिया थी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे डिसाइड है वो की गई थी। कौन से चार्टर एक्ट के तहत? 1853। ये फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो उस टाइम पे जो अभी तो हम आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं, ये एक्चुअली आईएएस के एग्जाम नहीं होती थी उस टाइम पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं थी उस टाइम पे, इसका नाम था आईसीएस, इंपीरियल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उस टाइम पे इंपीरियल सर्विसेज के नाम पे। कौन था इसका जनक आईसीएस का? इसका जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आईपीसीसी की स्टार्टिंग, आईसीएस की स्थापना वैसे की गई थी। ये की गई थी वैसे नॉर्मली 1790 में। तो ये दो चार फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 1790 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी ना इंपीरियल सर्विसेज, उस टाइम पे इसमें कोई मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जैसी उनकी मर्जी थी उन लोगों को अपॉइंट किया जाता था। बट क्या हुआ, 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें ये प्रावधान किया गया कि नहीं भाई साहब, अब तो एग्जाम होगी प्रॉपर तरीके से कंपिटिशन की तरह, और उसी के बाद लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। तो मतलब भारतीयों के लिए भी इसमें एक मौका है वो सामने आ गया था। अब हम आगे और बात करें तो हमारे बाद में आता है 1858 का भारत सरकार एक्ट है, वो यहाँ पे सामने आता है। देखो जो भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 में, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेज हैं वो किए गए हैं, उनको भी हम एक एक करके गौर है वो करते हैं। देखो 1857 में आपको पता है क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन हुआ था, काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुई थी। तो उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस हैं वो लाने की बात की गई, और क्या हुआ 1858 के एक्ट में कहा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी अपने रास्ते, और अब सारा काम है वो कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जो इंडिया का जो राज था ना पहले कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डायरेक्टली वहाँ की सरकार के पास आ गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब इंडिया को डायरेक्टली रूल है वो करने वाली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। और इसके लिए एक नया पद है, एक नई मतलब आप बोल सकते हो कि एक नई क्लास स्टार्ट की गई, जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। भारत जो राज्य सचिव है ना इसका पद स्थापित किया गया, और ये इंडिया को मेनली मतलब इंडिया के लिए गाइडलाइंस है, रेगुलेट वगैरह करने का काम है वो यहाँ पे करने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया था ना इसकी अब सारी बागडोर डायरेक्टली वहाँ की गवर्नमेंट के पास चली गई, ब्रिटेन के महाराज जो महारानी थी उस टाइम पर उसके पास। अब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेन देन यहाँ पे नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि जो भारत राज्य सचिव था ना ये बेसिकली कौन होता था? भारत राज्य सचिव है वो ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती थी ना उसी का एक मेंबर होता था। यानी कि जो एक सेकेंड, हाँ जो ब्रिटिश कैबिनेट होती थी ना उसी का एक मेंबर होता था, और उसी मेंबर को इंडिया का राज्य सचिव है वो स्टेट आप बोलते हो कि सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट है वो किया जाता था। ये आपको फेक ध्यान में रखना है। और डायरेक्टली जो राज्य था गवर्न था वो क्राउन, क्योंकि आपको बताया ब्रिटेन में तो क्राउन का राज था, तो क्राउन के अंडर आ गया इंडिया का राज।
क्राउन के तहत इंडिया का गराज है वो अब होने लग गया। और जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल था उसको अब बेसिकली दो नाम दे दिए गए, एक तो उसका नाम हो गया वाइस राय और एक हो गया उसका मेनली, अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक क्या हो गया ब्रिटिश क्राउन के तहत वो हो ही गया अपने आप खुद में, यानी 101 को हो गया गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल कब कब कहा जाता है वो हम देखते हैं। देखो ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉइस रॉय की पदवी है ना उसको तब दी गई थी जब वह ब्रिटिश शासन का कार्य है, मतलब जो ये राज्य सचिव था ना अगर ये ब्रिटिश राज्य का काम है वो संभाल रहा है देख रहा है तब तो उसको वॉइस रॉय कहा जाएगा। और अगर यही आदमी जो देश के हमारे देश के अंदर छोटे छोटे राजा महाराजा रहते थे उनके आपस में मतलब जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश राजा के तहत, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ये मान लो कि ये था मैसूर राज्य और ये था इधर राजपूताना, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, कि अगर इन दो राज्यों के बीच में ब्रिटिश का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है वो कौन आता था, आता तो वाइस राय था बट इसको इस टाइम पे कहा जाता था गवर्नर जनरल। ये आपको फिर ध्यान में रखना है, यानी कि देसी जो रियासतों के राजा है ना उनके साथ क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर वो काम कर रहा है तो उसको वायसराय कहा जाता था, और अगर वो इसके तौर पे काम नहीं कर रहा है वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली काम कर रहा है तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम पर जाना जाता था। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, जब ये गवर्नर जनरल था ना ये ब्रिटिश शासन का कार्य संभाल रहा है ना तब तो इसको क्या कहा जाता है गवर्नर जनरल, और अगर ये जो हमारे देश में देसी रियासतों के राजा थे इनके साथ अगर कोई इनको इनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई काम कर रहा है तो उसको क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसको वायसराय के नाम से जाना जाता था। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि वायसराय कब कहा जाता था और गवर्नर जनरल कब कहा जाता था। तो ये इसमें कुछ बेसिक जो मोटे फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। इसके बाद में देखो आता है इंडियन, एक सेकेंड, इसके बाद में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और इसके बाद में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और फिर आता है भारत में लास्ट में आता है भारत सरकार अधिनियम 1909, इनकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये बेसिकली में मोटे मोटे क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 हुआ यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, इसकी अगर इसमें क्या होता कि जो प्रांत थे ना उनको वापस अधिकार दे दिया गया कि भाई वो कानून है वो बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1833 का जो एक्ट था चार्टर एक्ट इसमें अधिकार ले लिया गया था स्टेटों से कि भाई वो अपने कानून वगैरह नहीं बना सकते। बट इस एक्ट में जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 इसमें क्या कहा गया वापस कि हाँ भाई साहब आप अपने कानून एक्ट वगैरह वो बना सकते हो। इसी के साथ ही एक इसमें कंडीशन और जोड़ी गई वो ये थी कि विशेष परिस्थिति, देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक स्पेशल कंडीशन में जो गवर्नर जनरल है ना वो अपनी परिषद की परामर्श है उसके बिना भी काम कर सकता है, मतलब अपने उसको जो अच्छा लग रहा है वो काम कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको जो गवर्नर काउंसिल एडवाइस दे रही है उसी के मुताबिक काम करें, वो अपने खुद के डिसीजन भी ले सकता है, यानी कि हम बात करें एक तरीके से तो एक अध्यादेश जैसी पावर है वो उसको यहाँ पे दे दी गई है। अध्यादेश कौन से एक्ट के दिए जाते हैं हमारे देश में, देखो आर्टिकल 123 है ना उसके तहत प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने की पावर है वो होती है, तो उसी तरीके की पावर है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल को प्रोवाइड है वो की गई है। तो दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं, पहला क्या था प्रांतों को यानी कि जो प्रोविंस थे इनको वापस से अधिकार दे दिया गया कि वो कानून बना सकते हैं, दूसरा क्या हुआ कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल है वो अपनी परिषद की परामर्श के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि आर्टिकल 123 की एक तरीके से शुरुआत यहाँ से ही स्टार्टिंग है वो की गई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है 1892 का एक्ट। देखो 1892 वाले में तो वैसे कुछ खास तो नहीं था, बस इसमें ये एक फोकस किया गया क्योंकि उस टाइम पे देखो बार बार रिवॉल्यूशन क्रांति हो रही थी इंडिया में, मतलब आज़ादी की मूवमेंट है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, तो एक तरीके से इंडिया के अंदर जो उस टाइम पे सॉफ्ट पावर कौन थी उस टाइम पे ऑब्वियसली नरम दल की सरकार चलती थी, तो नरम दल को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए मतलब छोटे मोटे काम हो किए गए, ये कहा गया कि भाई जो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल है ना इसके अंदर जो सदस्य हैं इनको अभी एक तरीके से नॉमिनेट किया जाएगा वगैरह वगैरह, हम थोड़ा बहलाने की बातें की गई थी, कुछ मेजर चेंजेस इसमें नहीं हुए थे। इसके बाद में आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें क्या क्या हुआ देखो इसमें वही बात है कि नरम दल था वो वापस लड़ाई कर रहा था और गरम दल बन चुका था, क्योंकि गरम दल देखो हमने पॉलिटी में सॉरी मिडल उसमें आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में कि गरम दल नरम दल दो भागों में डिवाइड हो चुका था, काफ़ी सारे चेंजेस आए थे 1900 जो कि 1900 से लेके 1910 के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, और इवन अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी क्रांतियाँ भी यहाँ पे हुई थी, बट कुछ खास चेंजेस यहाँ पे किए गए नहीं थे, मतलब केवल केवल छोटे मोटे चेंजेस करने की बात की गई बट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है नहीं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे।
इसके बाद में आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, और उसके बाद में आता है 1935। ये दोनों इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, इनको हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि दोनों ही जो 1919 का एक्ट है ना, भारत सरकार अधिनियम 19 और 35, ये दोनों ही एक्चुअली भारत के संविधान में इनके कुछ चीज़ें डायरेक्टली हैं वो ली गई हैं, तो इनको हम अच्छे से कवर है वो करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसे हम चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।